Ooh. Mm -hmm. बैग जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि आज हमने बात करनी है हज पॉलिसी के हवाले से जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी के हवाले से है 2024 के लिए जो नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्म करनी है और एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी शख्सियत और मेरी से खास इन से अपनी ख़ास एक मोहब्बत भी है जिनको हम इन्वाइट कर चुके हैं इनसे हम बात करेंगे इनको वेलकम करते हैं हाफिज़ शफीक काशिफ़ साहब सर असल सर खैरियत से हैं अलहमद हाफिज साहब के बारे में मैं तारुफ़ नहीं करवाऊँगा और तारफ़ इसलिए नहीं करवाऊँगा कि अपना तारुफ खुद हैं कुछ शख्सियात ऐसी कादावर होती हैं कि उनके बारे में चंद जुमले कहना वो बड़े अजीब से मुझे लगते हैं बहरहाल अलहमदिल्ला इनको बड़ी मरतबा मैंने देखा कि मक् मक्रमा में मौजूद हैं और गलाफ काबा की तमीर के लिए और उसके बनाने के तमाम मरहल में मुझे कभी वीडियोज़ भेजते हैं तो मेरा दिल उछल के ऐसे बाग बाग होता है कि कभी हम भी तो जाएंगे माशाल्लाह हज ऑपरेट करवाने के हवाले से उम्र ऑपरेट करवाने के हवाले से हज पॉलिसीज़ के हवाले से डेलीगेशनस के हवाले से ये मुझे खबरें भी भेजते रहते हैं इन्फॉर्म भी करते रहते हैं और अपनी एक ख़ास पहचान भी रखते हैं बड़ी लंबी तमीद होगी ये ब्रेक ख़त्म हो जाएगी मैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा सर आपको वार्मली वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया और कुछ अर्सा पहले आपके बरफ़ुद की शादी हुई उसके लिए मैं आपको खास तौर पर मुबारकबाद भी दूँगा बहुत शुक्रिया मामला यह है सर कि इतनी लंबी डिटेल है जी मैं चंद जुमलों के बाद फौरन आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि हम मुस्तफ हो सके आपके पास जो डिटेल्स हैं जो चीदा चीदा नुकात है मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का हज कोटा एक लाख उनासी हजार दो सौ दस है सरकारी और निजी हज पैकेज जो स्कीम्स हैं उनके लिए कोटे की तकसीम का तनासब पचास फीसद है यानी हर एक के लिए 89,605 सीटें यानी कि नवासी सीट्स मुख्त कर दी गई हैं सरकारी हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप में 25,000 सीटें मुख्तस हैं जबकि प्राइवेट स्कीम के कुल कोटे का नसफ़ यानी चवालीस हज़ार आठ सौ तीन स्पॉन्सरशिप के लिए मखसूस किया गया है जो बॉर्डरशिप कोटा है पाँच सौ जबकि लेबर कोटा तीन सौ मुख्त किया गया है इसमें एक चीज़ और है गुजशत पाँच हज यानी दो हज़ार सत्रह से दो हज़ार तेईस जो अदा करने वाले ख़ुन हजरात हैं इस साल दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे ताहम पहली बार हज पर परवा रवाना होने वाली खातिन के महरम को इस होगा और ये कि स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले भी पाँच साल पाबंदी से मुतस्ना होंगे एक लंबी लिस्ट है मेरे पास इस पर हमने बात करनी है लेकिन मैं चाहूँगा कि सब कुछ मैं ना बताऊँ जो मुझसे कहीं ज़्यादा पता है हाफिज़ साहब को शफी काशिफ़ साहब को इनसे जान लेते हैं सर आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि जो दो हज़ार चौबीस हज पॉलिसी है इसका ऐलान किया गया है इससे बताइए आपके क्या है आपके पास इंफॉमेशन देखिए इसमें एक बड़ा अच्छा फ़ैसला इस दफ़ा सऊदी हुकूमत ने किया है आपको पता है कि हर साल हज पॉलिसी या हज के जो एग्रीमेंट होते हैं वो रजब में होते थे पहले तो उसके बाद फिर टाइम बहुत कम रह जाता था इंतज़ाम करने तैयारियाँ करनी होती थी अब जो सऊदी विज़न ट्वेंटी थर्टी है जी उसकी वजह से हज का एलान उन्होंने गुजत साल जब हज हुआ तो इस दौरान ही उन्होंने तमाम दुनिया के ममालिक को जहाँ जहाँ से हजाज इक्राम आते हैं सऊदी अरब जी जी उनको बता दिया था कि आपके इतने हाजी जो है अगले साल हज पे आएंगे ये वो एग्रीमेंट थे जो या वो तादाद जो उनको रमज़ान के करीब जाके पता चलती थी फिर वो इंतज़ाम जाके शवाल में करते थे अब इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगले साल का जो हज है वो इस साल आपको बता दिया जाए कि आपकी इतनी तादाद जो है वह हाजियों की सऊदी अरब आएगी ठीक है तो ये ऐलान गुजशत साल चूँकि हज में ही हो चुका था तो फिर अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इसने भी फौरी तौर पर इस पर एक पॉलिसी मुरतब करके हज हाज हज दो हज़ार चौबीस की उसको कैबिनेट से अप्रूव करवाया और उसका ऐलान अब बाकायदा कर दिया गया है जी। तो इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि इंतज़ाम के लिए एक अच्छा वक्त होना चाहिए आपने देखा पिछले साल के लोग जो हैं वो मक्का से मीना को रवाना हो रहे थे और यहाँ पाकिस्तान से लोग सऊदी अरब रवाना हो रहे थे जी तो इस वजह से इंतजाम के अंदर जो है एक इतनी मुश्किल आती है कि लोगों को ज़्यादा मुश्किल का सामना इसी वजह से करना पड़ता है ठीक है अब ये सारे इंतज़ाम जो हैं वो पेश की होंगे और रमज़ान मुबारक तक जी सारे इंतज़ाम जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे हज के अच्छा सर जैसे आप फरमा रहे हैं दो हज़ार तीस तक का जो विजन है हज पॉलिसी का उसके इंतजाम सारे मुकम्मल किए जा रहे हैं डे बाई डे जहाँ पे सारी चीज़ें हम अच्छी बयान करते हैं कुछ अपनी खामियों पे भी हम नज़र डालते हैं ताकि उनको ठीक किया जा सके आपको याद होगा जब लास्ट ईयर की हम बात कर रहे थे ऐसे ही हमने पॉलिसी का भी जिक्र किया था बल्कि हम आप ये भी जहन में रखते हैं कि हज ट्रांसमिशन में हम लाइव मुलाकातें करते रहे हैं भट्टी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब जो हमारे पैगाम की आँख ने भी अपनी आँख से देख के बताया अपने नाजरीन को कुछ ख़ामियाँ थीं कुछ कमियाँ थीं उनको ओवरकम इस साल किया गया है क्या चीज़ें थी जो पिछली दफ़ा लैक कर रही थी इस दफ़ा उनको ग्रिप में कर लिया गया देखिए यही वो चीज़ें थी कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हुजाज वो दूसरे ममालक से सऊदी अरब पहुँच रहे थे जी और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो हज परफार्म के लिए मीनार हो रहे थे तो उसमें ही मुश्किल और मसाइल होते हैं अगर अभी से ही ये इंतजाम वहाँ शुरू हो जाए और पता चले कि पाकिस्तान से या दीगर ख़तों से इतनी तादाद जो है वो हाज पे इस साल आ रही है अभी जैसे गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सताईस नवंबर से दरखास्तें शुरू होंगी बारह दिसंबर तक ये चलती रहेंगी एक तादाद गवर्नमेंट के पास आ जाएगी कि नब्बे हज़ार है अस्सी हज़ार है सत्तर हज़ार है या कितने लोग जो हैं वो हाज पे इस साल रवाना हो रहे हैं गौर स्कीम के ज़रिए तो फिर उतने लोगों की मिना के अंदर जगह अरफ़ात के अंदर मकादब के साथ जो एग्रीमेंट करने हैं उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा तो यकीन वो मसाइल जो वहाँ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी और इसका मकसद भी यही है जी। कि आप देखें ना आप पाकिस्तान से या दुनिया के दीगर मुमारक से लोग जा रहे हैं और कल आपने वहाँ हाजी परफॉर्म करना है और आज आप उनको बता रहे हैं जी इतने लोगों का खाने का इंतजाम करें इतने लोगों की ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करें दैट मेक्स सेंस पॉसिबल नहीं उसमें है उसमें तो अब इस मकसद करने का ही ये है कि आप अभी देखिए हज जो है वो मई में परवाजें शुरू होनी है जी और अगर दिसंबर के अंदर तय हो जाता है कि जी इतनी तादाद में लोगों ने आना है तो वहाँ पे हर अदारे के लिए इनके इंतजाम को करना फिर पैसे का ट्रांसफर करना ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर आसानियाँ होंगी और इन मुझे उम्मीद है कि इस साल जो में मुश्किल कम होंगी जो गुज्त साल हमने देखा मामलत और उसमें फिर ये भी है कि हमने देखा कि मक् के इंतज़ाम ठीक थे मदीना के इंतज़ाम ठीक थे ट्रांसपोश ट्रांसपोर्टेशन ठीक थी लेकिन जो ही हम मना में पहुँचे तो वहां पे इंतजाम जो है वो ठीक नहीं थे कंट्रोल में नहीं कंट्रोल में नहीं रहे, रहे, रहे। राश की वजह से लोगों की जिस तरह तो ये फिर इसी तरह कोई एक्सटेंशन वहाँ हो रही है मिना की अरफात की मुजलफा वहाँ पे अभी से इंतजाम जो इस वक्त भी इंतजाम वहां हो रहे हैं तो वो भी एक्सटेंशन हो जाएगी सारा साल काम जारी रहता है और वैसे भी सर देखें दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा इज्तम ये है सबसे बड़ी अदायगी ये है तो जब दुनिया का सबसे बड़ा इज्तम होगा इकट्ठ होगा बहुत सारे लोग एक जगह पे माशाल्लाह हज की अदायगी के लिए आएंगे कुछ ना कुछ रह जाएगा कुछ ना कुछ ठीक करना बाद में भी पड़ेगा जिसके लिए हम प्रोसेस में हैं जी बिल्कुल लेकिन असल में होता ये है कि दुनिया में कहीं भी इस लेवल का कोई अगर इवेंट होता है जी तो उसमें हमने देखा कि कितना कितनी देर पहले उसके इंतज़ाम तो पहले हो। तो होता ही नहीं होता ही इस नहीं। लेवल का होता ही नहीं मिलती है एक लाख सस्ता कर दिया गया हज का पैकेज पिछली दफा आप और मैं ऐसे ही बैठ के गुफ्तु कर रहे थे आपको याद होगा कि नंबर ऑफ पीपल जितने वो जारे कराम जाने थे उससे कम गए क्या ये एक लाख कम करने से फर्क पड़ेगा क्या लोग उतनी ही तादाद में जा सकेंगे जितना कोटा रखा है? जी यकीन इन फर्क पड़ेगा इससे और ये एक बड़ा अच्छा फैसला है मैं समझता हूँ कि देखिए जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं ही जा रही हैं वहाँ पे उसको जिस तरह भी कुछ चीज़ों पे कट लगा के या इंतज़ाम चूँकि पेशगी उन्होंने करने हैं और ये भी एक देखें ना इसका फ़ायदा अगर हाजियों को ये हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट अगर छः महीने पहले इस पॉलिसी का ऐलान कर रही है सऊदी गवर्नमेंट की इजाज़त से जी तो उसमें अभी से ही अगर लोग दरख्वा दे देंगे तो अभी से ही एक कंपटीशन में आके के वहाँ पर अच्छी इमारतें देखें ना पहले हम बची खुची जी इमारतें जो हमारे हिस्से में आती थी वहाँ पर तो अगर अभी से ही हम उसको लेना शुरू कर देंगे वहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है वो हजाज को दो तरह से पहुँचा है एक लिहाज से एक लाख रुपए पैकेज को सस्ता किया जा रहा है और दूसरा फिर उसमें उनको जो उनकी रहाइ गहें हैं उनकी इमारतें हैं वो मुकाबले में अच्छी मिलती हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा फैसला है लास्ट टाइम तो याद है कि जब कुर्बानी के पैसे जो थे वो कम किए गए थे तो वो सबको रिटर्न किए गए थे अब भी ऐसी पॉलिसी है कि अगर कोई चीज़ डिडक्ट होगी तो वो रिटर्न करेंगे जी जी देखें ये होता है ये असल में चूंकि गवर्नमेंट जो है वो उसका पैकेज जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो उन्होंने एक तखमीना रखा है लगाया कि हज के अखराज जो हैं वो इतने होंगे तो उसमें फिर देखा जाएगा कि उनकी जो जहाँ जहाँ पे जिस जिस मशरफ़ में वो पैसे खर्च हुए हैं वहाँ से अगर उनके पैसे बच जाते हैं और पिछले साल मेरे ख्याल में 12 अरब रुपए बचा के गवर्नमेंट ने जो है उस जहाज को वापस किया है ठीक है तो ये बड़ा अच्छा फैसला था अब भी ये जो पैकेज है दस लाख पचहत्तर हज़ार जो है ये हतमी नहीं है पैसे तो इतने जमा होंगे लेकिन उसके बाद फिर हिसाब किया जाएगा कि जी कितने पैसे खर्च हुए हैं और अगर पैसे बचते होंगे तो फिर वो हजाज को वापस कर दिए जाएंगे ठीक ऐसी कुछ चीज़ ऐड होती है तो फिर वो उसी तरह से बढ़ाया भी जा जाए वो बताया वो बताया जाता है बताया अब, जा सकता है ठीक है अच्छा सर ये भी बताएं कि जो आ, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो अहम सहूलियात है वो क्या ऐड की गई हैं और चेंज जो तब्दीलियाँ पॉजिटिव तब्दीलियाँ की गई हैं वो क्या मुतारफ़ करवाई देखिए इस साल सबसे एक बड़ा मुतालबा जो गवर्नमेंट के हजाज का होता था आपको पता है गवर्नमेंट का पैकेज जो था वो चालीस से पैंतालीस दिन का होता था जी तो बहुत से लोग कारोबारी हज़रात या आप जैसे लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो ये समझते थे कि हमें 20-25 दिन के अंदर जो है हज करके वापस यानी लॉन्ग पैकेज और शॉर्ट शॉर्ट पैकेज ये दो चीज़ें हैं कि हमें पहले आ जाना चाहिए क्योंकि हज के जो दिन हैं वो तो वही पाँच दिन हैं जो आठ ज़िल से शुरू होते हैं और बारह तेरह ज़िल को ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें बहुत सा बहुत से लोगों का एक मुतालबा था कि इसको शॉर्ट किया जाए तो ये पहली दफ़ा हो रहा है हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और सऊदी गवर्नमेंट ने भी इसकी इजाज़त दी दे दी गवर्नमेंट पैकेज थीक के अंदर भी कि अब एक शॉर्ट पैकेज भी मुतारफ करवा दिया गया है जो 20 से 25 दिन का होगा ठीक है और थीक उसमें ये लाजमी होगा कि आप यहीं से इसका फैसला करेंगे जब आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे उस वक़्त आपने फैसला करना है कि आपने शॉर्ट पैकेज में जाना है या लॉन्ग पैकेज में जाना है ठीक है तो दोनों ये दस्तियाब होंगे फिर इसी तरह बहुत सी तब्दीलियाँ गवर्नमेंट ने जिस तरह ई हाजिया है आई का दौर है तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट वहाँ अदारों के साथ जो एग्रीमेंट अब शुरू किए हैं उसमें मोबाइल सिम जो है वो हु को दी जाएगी उनको सेवन जी डाटा उसमें फ़्री दिया जाएगा फिर इसी तरह एक लैगेज का इशू होता था आपको पता है कि सामान गुम हो गया जी जी और पता ही ना चला तो उसमें फिर क्यूआर कोड की मदद से लैगेज तैयार किया गया है कि वो लैगेज जो है हजाज को एक हैंड कैरी दिया जाएगा या एक बड़ा बैग तीस किलो का दिया जाएगा तो वो क्यू आर कोड के साथ होगा ठीक है ताकि उसका जो है वो शिनाख्त कर ली जाए कहीं स्कैन हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा अच्छा सर मुझे शफाक साहब बार बार कान में पूछ पूछे मुझे कह रहे हैं कि जी वो सस्ता होगा शॉर्ट पैकेज और जो लॉन्ग पैकेज है वो महंगा होगा मुझे लगता है कुछ अच्छी हैं साहब की इस साल के लिए जी देखिए इसमें बड़ा सवाल होता था कि लॉन्ग पैकेज सस्ता होना है और शॉर्ट पैकेज थोड़ा महंगा होना है जी तो उसमें बुनियादी फर्क बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम लॉन्ग पैकेज सस्ता है और शॉर्ट जो है उसमें तो कम दिन है और वो सस्ता होना चाहिए सस्ता होना चाहिए अकल तो यही कहती है लेकिन असल में चूँकि जो रहायश के एग्रीमेंट होते हैं वहाँ वो चूँकि पूरे एक सीजन के लिए पूरे एक मौसम के लिए होने हैं उससे पैकेज में फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा ताहम जो शॉर्ट पैकेज होगा उसके अंदर उसके उसकी प्राइस ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि जो एयरलाइंस शॉर्ट पैकेज में लोगों को लेकर जाती हैं उनका जो किराया होता है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं तो इस वजह से उसका थोड़ा सा फ़र्क होगा इतना ज़्यादा फर्क नहीं है थोड़ा सा फ़र्क होगा शॉर्ट पैकेज में अच्छा ठीक है जैसे आप कह रहे थे सर तो मेरे जहन में एक चीज़ बार बार घूम रही थी अब जैसा आप इस वक्त बल्कि मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए कि इस साल हज पे आप कहाँ पे हैं आप यहाँ पे हैं या वहाँ पे हैं इनशा हम वहाँ पे होंगे इनशाला ठीक है ठीक है कारोबारी मसरूफिया जिम्मेदारियाँ या आपके अपने भी कुछ मामलात हैं उसमें नहीं इन साल इरादा तो यही है कि जो कारोबारी मसरूफियात वो तरक् करके चूंकि इससे पहले पिछले साल भी नहीं जा सके और मैं तकरीबन कोरोना के दो साल नहीं गया था जी। तो इस साल इनशाला इरादा है आप दुआ कीजिएगा बल्कि आप मेरे लिए भी दुआ प्रोसेस सारा करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है इससे बड़े फ़ायदे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो एक तब्दीली आई है ये इनशाला इसमें बड़ी खैर है और इसमें इसमें नो no डाउट के जो लोग हैं वो ज़े तौर पर अभी इसके लिए तैयार नहीं आपको पता रमज़ान में एक माहौल बनता है फिर रमज़ान में ही इस दौरान हाज की दरख्वास्तें हो रही होती हैं या रमज़ान से कुछ देर पहले तो अभी चूंकि बहुत पहले है ये दरख्वास्तों की वसूली लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो हाजी को भी यकीन होगा और सऊदी गवर्नमेंट को भी होगा इंतज़ाम करने में आसानी होगी मैंने जैसे आपको बताया ठीक है अभी आप उस तरफ आएंगे कि कई मिसाइल जो हैं उसकी बुनियादी वजह जी वक्त का जो है वो ना होना है। ना होना है तो ये अब सही वक्त है एग्जैक्ट टाइम है यानी कि मेरे जैसे लोग कमर कस लें और अभी से तैयारी शुरू करें बिल्कुल तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह राइट टाइम होगा वहां पहुंचने का बिल्कुल ऐसे ही और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जी अभी से अगर आपको पता है कि मैं हज पे जा रहा हूं अभी से कुछ बीमार है उसका इलाज शुरू करता है अगर कोई वो वॉक शुरू करता है वहाँ चलना पड़ेगा वो एक पूरा एक फिजिकली अपने आप को फिजिकली अपने आप को सैक्ट करता है और उसकी तैयारी करता है पूरी और फिर जितना आप तैयारी करके यहाँ से जाते हैं वहाँ उतना आसान हो जाता है आपके लिए हज इनशा इनशा अजय सर मुझे ये भी जानना है कि एक और भी आपके पास पता नहीं क्या ये मामला है मैं अक्सर देखता हूँ हम बड़े अच्छे फेसबुक पर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं और हम व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं सर वो जो आप गिलाफ काबा की तमीर की वीडियोस भेजते हैं डेलीगेशनस के साथ वाली वीडियोस भेजते हैं सर वो क्या जादू है आपके पास देखिए हम भी चाहते हैं कि उसमें शामिल हो सके देखिए इसमें एक बड़ा इश्हाक होता है जो ज़ायरीन जाते हैं तो आपको पता है कि अब तो जब से एक नया निज़ाम आया और गिलाफ़ काबा जो है वहाँ तक सिर्फ़ आप हराम की जी हालत में जाते हैं और एक ही दफ़ा आप जाके उम्र अदा करते हैं तो उसके बाद फिर आप बगैर बगैरहराम के मताफ़ के अंदर नहीं जा सकते जी तो उसमें एक इश्तियाक होता है सबको कि जी हम गुलाफ को देखें फिर बहुत से लोग जो हैं आपको भी मुझे भी ये हमें इश्तियाक होता है कि गुलाफ की एक अपनी तारीख है जी बिल्कुल उसकी बिल्कुल, अपनी एक हिस्ट्री है कि कब से है और कैसे बनता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो वो जब भी हम जाते हैं तो यकीन वहाँ पर हम ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर इस साल का जो गुलाफ है वो तैयार हो रहा होता है वो कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और उसकी मतलब उसका धागा है उसका जो गोल्ड है और फिर बाकी सारी चीज़ें मैं तो सर ये जानना देख रहे हो कि के काबा की तैयारी के लिए ये हाथ हैं जो अपना हिस्सा डाल चुके हैं उसकी सलाई के लिए हाथ हिस्सा डाल चुके हैं ये कदम जा चुके हैं उस जगह तक के लिए बिल्कुल ये असल में वो कई उसके मराहल होते हैं और कई जगह पे वो तैयार हो रहा होता है मुख्तलिफ़ पीसीज़ में वो बनता है फिर हाज के करीब जाके फिर उसको जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है अच्छा अब उसमें ज़्यादा जो मेरा उसमें ज़्यादा इश्तियाक होता है वो यही है कि वो कहाँ पर तैयार हो रहा है इस वक्त वो वो गुलाफ जो इस साल काबतुल्ल की जीनत बनना है तो फिर उसमें फिर वो हर चीज़ को देखना करीब से और ख़ुद भी अगर उसके अंदर उसको एक तो अलामती तौर पे होता है कि जी आप अलामती तौर पे कुछ कर रहे हैं एक वाक़ता वहाँ के जो हमारे दोस्त बनाने वाले बताते हैं कि ये वो गुलाफ है जो इस साल काबतुल्ला के जीनत बनेगा तो उसमें फिर हिस्सा लेना शामिल हो जाना और वो एक बड़ा एजाज़ और एक बड़ी साजिश है माशा मैं जी बहुत इम्प्रेस हूँ आपके इस चीज़ से माशा तब माशा इस दफ़ा तशरीफ ले जाएंगे तो आप भी वहाँ अल्लाह ने तो मैं ऐसी हस्तियों के पास जब बैठता हूँ तो मैं खुद को अपने आप को बड़ा तस्वर करता हूँ अपने घरों में बुलाते हैं अल्लाह अपने घर के गिलाफ की तैयारी के लिए इनको चुनते हैं तो कैसे ब्लेस्ड लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और इज्जतों से नवाजे सर आमें। तो हमें भी ये शर्फ हासिल हो हम भी जाएं और ये वाली जो तैयारी है इसमें हमारे ये हाथ ये ये हाथ भी शामिल हो सके, ये पैर उस जो सर सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के साथ जो स्पॉन्सरशिप भी इंट्रोड्यूस करवाई गई बिल्कुल वो भी बयान कीजिए देखिये इसमें एक पहले भी किसी दौर में स्पॉन्सरशिप स्कीम होती थी बाहर से लोग अपने अजीज वकारब को जो हज पे भेजना चाहते थे अपने पेरेंट्स को तो वहाँ से फिर वो स्पॉन्सर कर देते थे उनको वहाँ से वो डॉलर भेजते थे और फिर लोग चले जाते थे इस वक्त चूँकि हमें डॉलर की ज़रूरत है गवर्नमेंट को जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है तो उसमें फ़ैसला किया गया ये कि पच्चीस हज़ार जो जहाज हैं गवर्नमेंट आज स्कीम के वो स्पॉन्सरशिप स्कीम से जाएंगे और स्पॉन्सरशिप स्कीम का मकसद ये है कि बाहर से आप पूरी दुनिया में कहीं भी हमारे पाकिस्तानी भाई तारकिन वतन जो है वो किसी को भी हाथ पे भेजना चाहते हैं वो वहाँ से डॉलर जो है वो पैकेज दे दिया गया है कोई चार हज़ार के करीब पैकेज है हमारे शुमाली रीजन से जी। और कोई तीन हज़ार सात सौ या आठ सौ डॉलर जो है वो हमारे जनूबी रीजन से जो है पैकेज है गवर्नमेंट का तो वो वहाँ से डॉलर भेजेंगे पाकिस्तान के सरकारी जो अकाउंट्स हैं वजारत मजबी अमूर के तो पच्चीस हजार लोगों का ये कोटा जो मखसूस किया गया है और उनको फायदा ये दिया गया है कि वो कुरानदाजी से मुस्तना होंगे ठीक है कि अगर वो वहाँ से डॉलर भेजते हैं तो फिर उनकी कुरानंदाजी जो है वो नहीं की जाएगी वो बाईल जाएंगे, जाएंगे वो जाएंगे हंड्रेड परसेंट कन्फर्म ठीक वो जाएंगे इसी तरह इसके अंदर इस साल जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें एक महरम की जी शर्त थी वो उसको ख़त्म किया गया है इस्लामी नज़रियाती कौंसल की खात खीन के हवाले से, के हवाले हवाले से एक उसके फ़ैसले की कि तनाजर में उस पर वो एक अलग बहस है कि उसमें उसका शर् पहलू इसका क्या है और कैसे वो होना है वो तोकराम यानी मुफ्तियाना निज़ाम शायख़ ही में बता सकते हैं तो गवर्नमेंट ने बहरहाल ये फ़ैसला किया और सऊदी गौरमेंट ने उसको इजाज़त दी हुई है कि वो लोग जो ख़ीन बग़ैर महरम के जाना चाहती हैं जी और उनको एक बयान अल्फी भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को जी और ख़वान के ग्रुप्स बनते हैं जैसे उम्र में भी एक मजमूतनसाह के नाम से ग्रुप बनता है तो ख़ुत को अब इजाज़त दी है तो वो जा सकती है इसमें स्पॉन्सरशिप में भी जा सकती हैं और गवर्नमेंट स्कीमें भी जा सकती हैं अगर है। आपकी इजाज़त हो तो मैं वो शिक्क बता दूँ ताकि वो भी बेहतर हो जाए जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल इसमें यह बताया गया है जी कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के केजलास नंबर टू थ्री टू की सिफारिशात की रूह से खातिन बग़ैर महरम हज दरख्वास्त दे सकती हैं बशरतिया खातिन अपने वालदे या शौहर की जानिब से सफ़रे हज की इजाजत का हल्फनामा मुहैया करें और इसके साथ साथ ये कि उनके वकार को कोई ख़तरा नहीं है और वो अपनी काबिल अतमाद खुवान के ग्रुप के साथ हज दरखास्त जमा करवा रही हैं ये कंसेंट है उसके साथ जी बिल्कुल ऐसे ही है अभी चूँकि उम्र पर भी जा रही हैं ख़्वीन इस तरह एक ग्रुप बनाती हैं मुख्तलफ इदारों की तरफ से जा रही है, है। मुख्तलिफ़ीन तो हज पे भी इस साल जो है इनको इजाज़त दी गई है कि वो बग़ैर महरम के दरख्वा जो है वो दे सकती हैं ठीक है।, है।, है अच्छा ये पच्चीस हज़ार जो तादाद है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सरफ है अच्छा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है बाहर से आप पैसे भेजेंगे जैसे ही ये पच्चीस हज़ार तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो इसको लॉक कर दिया जाएगा इनकी गुरा अंदाजी नहीं होगी इसी तरह प्राइवेट स्कीम के अंदर भी जो प्राइवेट इसका पोर्शन है उसमें आएगा कि प्राइवेट में भी उन्होंने तकरीबन फिफ्टी परसेंट जो उनके कोटे का है फोटी फाइव थाउजेंड तकरीबन वो भी स्पॉन्सरशिप के ज़रिए होगा कि वो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए जाएंगे और ये भी गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि अगर स्पॉन्सरशिप के ज़रिए ये लोग ना जा सके तो फिर ये सऊदी गवर्नमेंट को जो है वापस किया जाएगा कोटा ठीक है अरे सर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है इसके तहत पाकिस्तान के किन शहरों से जहाज रवाना होंगे देखिए रोड टू मक्का जो फैसिलिटी है इसमें पाकिस्तान को शामिल की चंद ममालक इसमें शामिल हैं दुनिया के जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है तो आपको पता है कि पिछले दो साल से बल्कि तीन साल ये तीसरा साल होगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोड टू मक्का के तहत और रोड टू मक्का का मतलब ये है कि आपके जो हजाज हैं उनकी इमिग्रेशन जो है या दीगर जो लवाजमात हैं वो आपके ही मुल्क में आपके ही एयरपोर्ट के ऊपर कंप्लीट कर लिए जाते हैं ठीक है तो इस्लामाबाद से ये बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है अब हमारी गवर्नमेंट ने ये मुतालबा सऊदी गवर्नमेंट से किया था कि कम अज़ कम जो है लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स जो हैं इनको भी इसमें शामिल रोड टू तो मक्का मैप में शामिल रोड रो टू मक्का प्रोग्राम में शामिल किया जाए ठीक है उसके लिए इंतजाम इस वक्त जारी हैं आपको पता है कि ये बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं अगर लाहौर एयरपोर्ट पर उन्होंने इमीग्रेशन करनी है तो सऊदी इमीग्रेशन का स्टाफ यहाँ आएगा उनके दीगर अदारे जो हैं उनके लोग यहाँ आएंगे और वो उतनी देर तक यहाँ रहेंगे जब तक पूरे हजाज यहाँ से रवाना नहीं हो जाते ठीक है तो उसके लिए इंतजाम जारी हैं मुझे उम्मीद है इन शज़ीज़ के इस साल इसमें इजाफा होगा इस्लाम की तादाद में भी इजाफा होगा और उसके साथ साथ कराची या लाहौर जो है वो इसमें इन इस साल ऐड होगा ठीक है तो ये है। फिर सहूलत जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दस्तियाब होती है अच्छा सर हम आज की बात करें मुझे एक वीडियो याद आ गई है पिछले दिनों शायद आपने भी देखी हो सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक खातून वेड़ उम्र की खातून किसी देहात से रो रही हैं बिलबिला रही हैं और कह रही हैं मेरी हाजदी टिकटा किसने बानलियाँ ने और वो उनके जानवर थे जो उन्होंने इसी नीयत से ले कर रखे हुए थे कि जब हज का सीज़न आएगा तो वो उनको बेच के अपने हज की टिकट और इंतज़ाम करेंगी तो वो बड़ा दिल खराश था वो देख के मुझे याद आया अभी चूँकि हम हज की बात कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे जज्बे हैं ऐसी ऐसी ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह के घर किस तरह से पहुँचे और ये अल्लाह के घर पहुँचने वाले मेहमानों के लिए जो अरेंजमेंट किया गया है जो इंतज़ाम बेहतर से बेहतर करने की सऊदी हुकूमत कोशिश करती है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिश करती है हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं जी अच्छा सर आपको याद होगा हमने एक ऐप का भी जिक्र किया है कई मरतबा अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में नुस्ख के हवाले नुसुक। से वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है क्या उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है इस मरतबा उसको भी हम शामिल कर रहे हैं बिल्कुल इसमें देखें नुस्क के ज़रिए अभी पाकिस्तान में भी चूँकि लॉन्च की गई बंग्लादेश इंडिया में एक ही टाइम पे इस खत्ते में लॉन्च हुई है जी। तो उसका बड़ा फ़ायदा है लोगों को आप अपनी आसानी के साथ अपने अगर आप एक एज ए विज़िटर भी अगर सऊदी अरब गए हुए हैं या जा रहे हैं गुजर रहे हैं किसी और मुल्क जा रहे हैं तो नुस्क की मदद से आप अपने लिए एक अपॉइंटमेंट लें आप मदीना मनवरा जा रहे हैं वहाँ के लिए और दीगर सहूलतें आपने लेनी है तो ये वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी आपने जो भी सर्विसज़ लेनी है इसके मुतलक वो सारी सर्विस जो है कम वक्त में आप अपना टाइम बचाना चाहते है। आप 24 है, जी, हैं आपके पास चौबीस घंटे हैं अड़तालीस घंटे हैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एक महीना दो महीने पहले अपना जो प्लान कर रहे हैं उसमें आप नुस्ख़ की मदद से आप सऊदी अरब का विज़िट रखें आप बेशक 24 घंटे के लिए रुके हैं तो 24 घंटे के अंदर भी आप उम्रा भी परफॉर्म कर सकते हैं आप फास्ट ट्रेन के ज़रिए डेढ़ घंटे में मदीना पहुंच जाते हैं आप वहां पे रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करते हुए आप आगे कहीं भी जा सकते हैं तो ये इतनी तेज़ी के साथ इतनी फास्ट ये सिस्टम जो बन रहे हैं आ रहे हैं हाजमें भी आप देखेंगे अभी देखें जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने आ, कर दिया है कि मैप है ऐसी एप्लीकेशन आ जाएंगी ज़रूरत अमर की है हमारे हजाज इक्राम खसूस चूँकि यहाँ से जो लोग जाएँगे तकरीबन सेवेंटी परसेंट तादाद उन लोगों की है जो ये एंड्रॉड मोबाइल जो है वो शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें चाहिए हमारे बच्चों को चाहिए कि जिन लोगों ने हाजपे जाना है उनको मोबाइल का इस्तेमाल हम सिखाएँ एंड्राइड मोबाइल का ये एप्लीकेशन से मुतारफ़ करवाएँ इन चीज़ों से तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब व मसले रह गए हैं कि जी हाथ जी दो, दो तीन तीन दिन तक गुम हो गए हैं और पता नहीं चल रहा मिल नहीं रहे अगर ये हमारे हुजात जो हैं खासकर वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे देहाती माहौल से जो लोग जाने वाले हैं बुजुर्ग जाते बजौर्ग है हैं बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें आप बच्चों के साथ बैठ के इनको सीखे अच्छा फिर इसी तरह जी। दिनी मालूम हैं आप लोग प्रोग्राम यहाँ कर रहे होते हैं आज के दिनों में पैगाम टी वी इतने प्रोग्राम करता है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पैगाम की अप्लीकेशन भी कर ली जाए तो उसकी हज की ट्रांसमिशन जो है वो हुजाज वहां पर बैठे और अगर उनके पास सिम नहीं भी उसमें है तो उसमें वो उनको डाटा दे रहे हैं इसके लिए जैसे आपने पहले जैसे मैंने पहले बिल्कुल, बताया इस्तेमाल करने के लिए तो इन चीजों से फ़ायदा उठाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इसके है। लिए हम लोगों की तैयारी करवाएंगे बाकायदा कि वो अभी से इसको इसकी तैयारी करें और हज को सीख कर करें ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की अक्सर ऐसा होता है कि के हज के बारे में प्रॉपर एजुकेशन नहीं एजुकेशन होती तरबियत नहीं होती बकायदा ट्रेनिंग नहीं होती अभी से ये टाइम है सीखना शुरू कर दें पढ़ना शुरू कर दें यह वही है कि जितनी आप जुस्तजू करेंगे उतना आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे अच्छा सिर्फ नुसुख के हवाले से यह भी बता दीजिए बल्कि मैं चाहूंगा लगे हाथों यह बात भी हो जाए तो अच्छी है वो एक ज़माने होते थे कि जब चाह चले गए आप जन्नतलबकी में जब चाह दिल किया, आप चले गए रोज़ रसूल पर अब मामला बाकायदा प्लान कर दिए गए हैं बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ हो रहे हैं सबकी मोहब्बत है दुनिया भर से ना सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर से मुस्लिम लोग वहाँ पर हम जाते हैं और अपना टाइम वहाँ पर हम ल... अच्छा अब उसमें जो नुस्ख में बाकायदा आपको टाइम दे दिया जाता है आपका बाकायदा अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि आपका ये टाइम है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम में आप फलां जगह जा सकते हैं फ़लां जगह के लिए आपका इतने से इतना टाइम है अब वो मामला नहीं है कि जब मर्ज़ी बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं, वो दूसरों के लिए भी मुश्किल थी और इंतज़ाम में भी मुश्किल थे अच्छा सर जब आप तरबियत की बात कर रहे थे तो अभी से ट्रेनिंग्स शुरू की जा रही हैं हज परफॉर्म करने के हवाले से ट्रेनिंग्स के लिए क्या बाकायदा तमाम किया गया है क्या उसके लिए तरीक़ाकार अपनाया गया है देखिए इसमें मैंने ये देखा है जो तरबियत वाला एक मसला है ना सबसे ज़्यादा अगर तरबियत की कमी है तो वो पाकिस्तानी हजाज में है दीगर मुबालक से आने वाले हमने देखा वो तो बायदा स्कूल में कॉलेज में उस लेवल पे बच्चे जो उनके हैं वो भी हज को सीखते हैं उनके निसाब में भी शामिल है तो उनकी पूरी एक ट्रेनिंग होती है इस हवाले से वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे आपको उस तरह का फूड दिया जाता है जो फूड वहाँ आपको मिलना है उस तरह का माहौल आपको दिया जाता है जिस तरह का माहौल वहाँ आपको मिलना है ठीक है तो हमें हमें यहाँ एक कमी है और अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी हम जब देखते हैं तो लोग हमारे हुजात जो हैं वो एक हाज़री लगवाने के लिए आते हैं अगर आए भी तो पूरा जो सेशन है उसको वो अटेंड नहीं करते सीखते नहीं हैं उन चीज़ों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की जी बहुत अहम है ये बहुत अहम जब है। तक आप सीखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं आप, आप परफॉर्म नहीं कर सकते परफॉर्म नहीं।, नहीं कर सकते अच्छा वहाँ अच्छा। आप जब पहुँचेंगे तो हर हर बंदे को अपना मसला होगा वो हर बंदा खुद वो हज कर रहा होगा या परफॉर्म कर रहा होगा तो आपकी क्या मदद कर सकेगा इसलिए जब तक आप उसको सीखते नहीं हैं तो हमारे जो लोग हैं वो वाकई सीखते नहीं हैं कुछ मसाइल भी हैं लोगों के जी वो कहाँ जाए इस मस्जिद में जाए उस मरकज़ में जाए या उसमें जाए तो गवर्नमेंट जो है वो एक इंतज़ाम करती है इजमाही लिहाज से तो आप गवर्नमेंट के साथ उनके जो हाजी कैंप्स हैं वहाँ पर भी इंतज़ाम होते हैं दीगर मसाजद मराक़ में एक मौसम होता है पूरा चूँकि अब शुरू हुआ पहले ये होता था कि यह रजब शाहबान में जाके होता था टाइम कम होता था अब चूँकि ये अभी शुरू हो चुका है तो अभी से ही वो तैयारी करें उस तरह की बुक्स ले लें और वहाँ से वो अच्छा हाज के जो अयाम हैं उस हवाले से डे बाई डे वो कुछ चीज़ों को नोट करें कि जी आज का दिन हमने क्या करना है अगर अभी से वो सीखेगा अभी से दुआएं वो सीखना शुरू कर देगा पूरे उसको पता होगा कि मैंने ये सफ़र करना है तो यकीन इतनी खूबसूरत उसका यह सफ़र होगा कि वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकता ठीक है ठीक है सर चंद एक मिनट रह गए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से बस आप मुझे बता दें कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जी हज दरख्वास्तों के हवाले से वो कौन से कागजात हैं जो हमें जमा करवाने होते फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा देखिए इसमें लाजमी है कि आप अपने पासपोर्ट्स चेक करें अगर तो आपके पास पहले से पासपोर्ट मौजूद है तो वो 26 दिसंबर 2024 24 तक ठीक है वो होना चाहिए उससे अगर कम हुआ तो फिर आपकी दरख्वास्त जो है वो जमा तो हो जाएगी अगर आप इससे पहले पासपोर्ट नहीं रखते और आपने अभी पासपोर्ट बनाना है तो वो उसके टोकन के ऊपर भी दरखास्त हो जाएगी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है आप अपना आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए नादरा का अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप पासपोर्ट अपना जमा करवाएँ और उसका जो टोकन है उसके ऊपर आपकी दरख्वात जो है वो जमा हो जाएगी जब आपका पासपोर्ट आएगा उस वक़्त फिर आप उसकी कापी जो है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं ठीक है ये एक लाजमी चीज़ है इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपने जो बाहर से लोग भेजेंगे कागजात वो भी भेजेंगे वहाँ से कि वो फिज़िकली फिट है ठीक है आने के लिए फिर इसी तरह वो लोग जो कमज़ोर हैं मज़ूर हैं बीमार हैं ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ कोई एक हो जाएगा जी बिल्कुल और फिर इसी तरह 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस साल इजाज़त मिली है कि वो हज पे जा सकते हैं लेकिन उसके लिए शर्त यही होगी कि वो अपने किसी अजीज के साथ सफ़र करें ठीक इसी तरह 10 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको भी इस साल इजाजत दी गई है कि वो भी हज पे जा सके जा सकते ठीक है सर वक्त इतना सा होता है जी और हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन जब गुफ्तु चलती है तो फिर पता नहीं चलता कि कब वक्त गुजर गया और अशफाक साहब कभी आई एफ पी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं कि इशारा ये है कि अब वक्त, वक्त से आगे जा रहे हैं मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तशरीफ़ लाए हाफिज शफीक काशिफ़ साहब और एक शुक्रिया मैंने और का और चीज़ का भी इनको लाइव अदा करना है कि मेरे पास जो बहुत सारी डिटेल्स थी वो इन्होंने ही भेजी हुई थी मुझे कि मैं पढ़ सकूं और फिर मैं आगे शेयर कर सकूं तो उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सर आपके आने का शुक्रिया ले जी हज के लिए अगर आपने दरखास्तें जमा करवानी है नीयत कर रखी है और आप कमर बसता हैं तो बस फिर खड़े हो जाइए और चल पड़िए अल्लाह की राह में तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक की बात हमारे साथ रहिएगा